संगीत की देवी सरस्वती के साक्षात स्वरूप, जिनकी सुर साधना के समक्ष पूरा संगीत जगत नतमस्तक है और जिन्हें सभी सम्मान पूर्वक लता दीदी कहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी साझा कर रही हैं मीठी बातों और सुरीली यादों को। 28 सितंबर वो तारीख जो लता जी के जन्म की तारीख है, तो आइए हम और आप लता जी के जन्मदिन के इन पलों को लता जी की मीठी बातों और सुरीली यादों के साथ गुलजार कर दें और सुरों की ऐसी महफिल सजाएं जो हम सभी की अपनी लता दी के जन्मदिन की सुरीली यादगार बन जाए। दीदी, सभी संगीत प्रेमियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आप सबको नमस्कार। बहुत खुशी हुई कि मुझे आज आप लोगों ने बोलने का अवसर दिया है। कुछ सवाल आपके होंगे और मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की। लता दी, कोशिश क्या, आप तो जो कुछ भी कहेंगी, आपका हर शब्द हमारे लिए बहुत खास मायने रखता है और आपकी यादों में तो इतना कुछ है कि हम जितनी भी बातें आपसे सुनेंगे वो हमारे लिए कम ही पड़ेंगी। दीदी, आपका वो शुरुआती दौर था जब आपकी मुलाकात हुई गुलाम हैदर साहब से, तो बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। मैं मास्टर गुलाम हैदर साहब के यहाँ गई, मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे सुना और सुनने के बाद एक गाना मुझे उन्होंने नया बताया जो शहीद फिल्म का था और मेरी आवाज उन्होंने रिकॉर्ड की और एस मुखर्जी वो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये आवाज चलेगी नहीं, ये बहुत पतली आवाज है हीरोइन के लिए, सूट नहीं करेगी, तो हम लोग किसी और से लेंगे गाना। ये बात मुझे मालूम नहीं थी पर मास्टर गुलाम हैदर साहब ने कहा लता को मैं गवाऊंगा और मैं देखता हूँ कैसे नहीं अच्छी लगी आवाज और आप मुझे याद करेंगे जब मैं लता से गाना लूंगा। तो वो आए, मैं बैठी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो मुझे कहने लगे कि लता तुम मेरे साथ चलो और हम लोग यहाँ से मलाड जाएंगे बॉम्बे टॉकीज में, मैं वहाँ एक पिक्चर कर रहा हूँ उसके लिए हम गाना करेंगे। तो हम लोग स्टेशन पे खड़े थे तो उन्होंने एक डब्बा था उसके ऊपर लय पकड़ के उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना गाओ और फिर उन्होंने गा के बताया दिल मेरा तोड़ा और मैंने वही गा के बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा और कहने लगे चलो अब तुम। फिर हम लोग गए वहाँ और फिर हमने एक दो गानों की रिहर्सल की क्योंकि उनको बहुत जल्दी पाकिस्तान जाना था। तो फिर उन्होंने उस पिक्चर के गाने रिकॉर्ड किए, शायद पहला गाना था मेरे और मुकेश भैया का जी, जो गाना बहुत चला था उस जमाने में, अंग्रेजी छोरा चला गया तो वो गाना पहले रिकॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद दिल मेरा तोड़ा, फिर और गाने थे। तो वो सब गाने चलने के बाद मुझे फिर और लोगों ने वहाँ सुना, जैसे अनिल विश्वास जी थे और खेमचंद प्रकाश जी थे और फिर उनके गाने मैंने गाए, फिर श्याम सुंदर जी ने सुना, फिर उन्होंने बुलाया, इस तरह मेरा प्लेबैक सिंगिंग का ये सफर शुरू हुआ। दीदी, अनिल विश्वास जी के साथ एक से बढ़कर एक गाने आपने लिए हैं। उस समय अनोखा प्यार फिल्म बहुत अच्छी हुई थी, उसके गाने बहुत अच्छे थे, एक दिल का लगाना बाकी था एक गाना था। जी हाँ, मैंने अनिल दा के साथ बहुत गाने गाए हैं और बहुत अच्छी तरह से सिखाते थे और कैसे क्या होना चाहिए, किस तरह सांस लेनी चाहिए छोड़नी चाहिए ताकि माइक में सांस की आवाज ना आए जो आती है लोगों की, तो वो मुझे उन्होंने सिखाया और बैठे रहते थे, एक एक छोटी छोटी बातें समझाते थे, अच्छा लगता था बहुत और प्यार से मेरे साथ बात करते थे जैसे कोई घर का ही हो। वहाँ से मैंने कुछ सीखा, मास्टर गुलाम हैदर साहब से भी कुछ सीखा, उसके बाद नौशाद साहब के साथ काम किया तो उनसे भी मैंने काफी बातें सीखी है, गाने में क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बोल कैसे कहने चाहिए, क्योंकि मेरी भाषा तो मराठी थी और उस वक्त उर्दू गाने गजलें वगैरह बहुत आती, तो वो मैंने इन सब लोगों से सीखा है। दीदी, जब आप गाती हैं तो आपके गीत का हर शब्द ऐसा लगता है जैसे कि वो सजीव हो उठा हो और उसके जो भाव होते हैं वो आप भी अपने हृदय से महसूस करती हैं और दूसरे जो उसको सुनते हैं उनके हृदय में भी वो बहुत गहराई तक पहुंचते हैं,
इसके लिए आपको काफी अभ्यास करना पड़ा होगा। किस तरह से ये हुनर आप में आया हमें बताएंगे? देखिए, ये तो मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें नेचुरल होती है, पर मुझे कुछ लोगों ने ऐसा सिखाया कि जैसे मास्टर गुलाम हजरत साहब ने कहा कि लता तुम जब गाना गाती हो तो तुम पहले ये सोचो कि ये गाना कौन गा रहा है, सिचुएशन क्या है, रोना है या हंसना है या लल्लबाई है या जो भी है, तो तुम इमेजिन करो कि ये मैं ही गा रही हूँ, कैरेक्टर मेरा है, मैं उस कैरेक्टर में जाके गा रही हूँ। वो मैं तो सीख रही थी ना, तो मुझे ध्यान रहता था कि ये मुझे करना चाहिए, ये करना चाहिए। और फिर मैंने उर्दू भी सीखी, हिंदी तो मैं सीख ही रही थी, और मैं बिल्कुल मराठी वातावरण से आई थी उस वक्त। तो हिंदी की किताबें मुझे मेरे मास्टर जी थे, लेखराज शर्मा उनका नाम था, और उन्होंने क्या किया कि मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें ला के दी, और कुछ ट्रांसलेशन जो होते हैं बंगाली किताबों के, तो वो भी मुझे शरद बाबू की किताबें ला के दी। मतलब मैं उनसे ये सीखती रही, और मुझे अभी तक याद है कि मैंने हिंदी का मतलब जो पहली किताब पढ़ी थी वो थी निर्मला। अच्छा, तो जी हाँ, फिर उन्हें मुझे कर्मभूमि, जन्मभूमि, मतलब जो उनकी सब किताबें थी, गबन वगैरह, वो सारी किताबें लाके वो कहते थे पढ़ो और फिर तुम लिखो कि कौन सी किताब पढ़ के तुम्हें कौन सा कैरेक्टर कैसा लगा और ये अच्छी है या ठीक नहीं है, ये तुम मुझे लिख के बताओ। तो वो मैं प्रैक्टिस करती थी और उसमें मैंने काफी अच्छा ये किया था कि वो खुश होते थे। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि मैं जिस भाषा में गाऊं बराबर उसका मतलब आए और वो सुनने वाले ये कहें कि अरे ये बिल्कुल सही गा रही है। सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि आपने अगर बंगाली गाना गाया तो बंगाली लोगों को ये लगना चाहिए कि अरे ये कोई बंगला लड़की है। तो ये मैंने ज्यादा हर भाषा में कोशिश की है और मैंने 26 भाषाओं में गाया है। जी जी जी, और हर भाषा में आपने इस तरह से गाया है जैसे कि लोगों को लगे कि अपनी जुबान है ये। मैं कोशिश तो यही की है और काफी लोगों ने मुझे कहा भी है कि आपने बहुत अच्छा गाया है, बराबर लगता है। बंगाली लोग तो मुझे ये कहते हैं, मतलब मेरे यहाँ एक लड़का आया था बंगाली, बहुत यंग लड़का था, उसने मुझे कहा कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि लता बंगाली है, बंगाली में तो वो उसको यही मालूम था कि मैं बंगाली लड़की हूँ तो उससे मैं बंगाली बात करती थी तो वो बहुत खुश होता था। तो अच्छा लगता है कि हम और भी भाषा में बोल रहे हैं, भारत की सब भाषाएं हैं, और अगर वो बोलना आ जाए या सीखे तो कोशिश मैंने की है। हालांकि सब भाषाओं में मैं बोलती नहीं हूँ, पर कोशिश जरूर करती हूँ। दीदी, इसीलिए तो पूरा भारतवर्ष आपको अपना मानता है, हर कोई कहता है कि ये हमारे यहाँ की ये मतलब उनकी सबकी मेहरबानी है कि ऐसा सोचते हैं और मानते हैं। दीदी, जो अभिनेत्रियाँ उस समय की हुआ करती थी, बात की भी जिनके लिए भी आपने गाने गाए, सबको यही कहना था कि लता जी का गाना अगर है तो अभिनय की जरूरत उतनी नहीं है क्योंकि वो शब्द सुनने के बाद अपने आप अभिनय हो जाता है। अरे वाह हमने कहीं पढ़ा था, नली जयवंत जी ने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि गानों को सिर्फ गुनगुना दीजिए, गाने के भाव अपने आप आ जाते हैं। मीना कुमारी जी ने भी इसी तरह कहा था। आप इन लोगों के साथ जब पता रहता होगा आपको कि आपका ये गाना मीना कुमारी जी पे फिल्माना है या किसी और अभिनेत्री फिल्माना है? जी हाँ, मैं हमेशा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो होते थे उनको मैं गाने से पहले पूछती थी कि ये गाना कौन गा रहा है। उस वक्त तो इन लोगों के नाम थे मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस, मतलब ऐसी 4-5 गीत थी जिनका नाम ज्यादा आता था। जी, तो वो बताते थे कि भाई ये मीना जी गा रही है या ये शायरा बानू है या ये, तो मैं कोशिश करती थी कि वो जिस तरह से काम करती है उस तरह से मैं गाना भी गाने की कोशिश करूं ताकि लोगों को ये लगे कि वाकई मीना कुमारी गा रही है या और कोई आर्टिस्ट गा रहा है। और उससे क्या होता है कि मुझे अंदर से अच्छा लगता था, सुकून मिलता था कि मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ और उसमें मैं कामयाब हो रही हूँ। दीदी, ये लोग आपसे मिलते होंगे फिर? देखिए, मीना कुमारी जी के घर मेरा आना जाना काफी था, वो कभी कभार आती थी, और नरगिस जी के साथ बहुत अच्छा था जी। और नरगिस जी, मीना कुमारी, मधुबाला, सायरा जी, मतलब ये सब
चूंकि मैं यूसुफ भाई मतलब दिलीप कुमार जी को अपना भाई मानती हूँ, उनको राखी बांधी है मैंने, तो उनके यहाँ भी आना जाना या उनका मिलना हो तो कई मरतबा सायरा जी रिकॉर्डिंग में आके बैठती थी, जया बच्चन जी भी आके, उन्होंने जब अभिमान पिक्चर की थी जी। तो उसमें उनको प्लेबैक सिंगर बताया था, तो उनका गाना एक था जिसमें वो प्लेबैक गा रही है और वो गाना मैं कैसे गाती हूँ ये देखने के लिए उनको ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि आप आइए और आप खुद देखिए कि लता कैसे खड़ी होती है, कैसे गाती है और कपड़े उनके किस टाइप के होते हैं। तो पिया बिना गाना था मेरा, उसमें वो बैठी रही, देखती रही और जब मैंने पिक्चर देखी तो उस गाने पे उन्होंने बड़ी बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है जैसे मैं पहनती थी, पल्लू भी मेरी तरह लिया है और गाते वक्त मैं जैसे एक्शन करती हूँ, मतलब मेरे तो नेचुरल होते हैं पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान से देख के वैसा ही किया था। तो मुझे पता चला कि ये क्यों आके बैठी थी। नशा साहब बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं जी, और वो भी मुझे बहन कहते थे और हमेशा कहते थे कि तुम जब भी आती हो बात करती हो ऐसे लगता है मेरी छोटी बहन आई है अब से बात कर रही, तो वो बहुत प्यार से मिलते थे और नशा साहब के घर में जाया करती थी। मुझे कहीं भी अवार्ड मिलता था, कुछ भी होता था, तो वो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते थे और एक हार मुझे पहनाते थे और बहुत खुश होते थे। अच्छा जी, लखनऊ में मुझे अवार्ड मिला था अवध का, तो अवध रत्न शायद उसका नाम था जी। तो नशा साहब आए मेरे साथ, मैंने कहा नशा साहब आप लखनऊ आएंगे? कहने लगे बिल्कुल, वो मेरा शहर है, मेरा गांव है, मैं वहीं का हूँ और वहाँ तुम्हें अवार्ड मिल रहा है, ये एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि मेरा सम्मान हो रहा है, तो मैं जरूर आऊंगा। और आए वो हमारे साथ रहे और मुझे सब जगह ले जाते थे, स्टेज पे सबसे पहले बात की उन्होंने और बहुत प्यार करते थे जी। बहुत अच्छे इंसान भी थे वो। जी बहुत अच्छे। दीदी श्री रामचंद्र जी के साथ आपकी यादें? मैंने उनका सबसे पहले गाना गाया था शहनाई पिक्चर थी शायद, मैं शमशाद भाई गीता दत्त हम सब ने मिल के एक कोई और लड़की थी हमने एक गाना गाया था जवानी की रेल चली, तो उसमें मैंने एक दो लाइन गाई थी। फिर मैंने उनकी खिड़की पिक्चर आई थी उससे भी गाने गाए थे। उनकी सबसे अच्छी पिक्चर थी मेरे हिसाब से अलबेला, अलबेला जिसके अच्छा, सब गाने चले थे। और उनके साथ भी आपने कई कई गाने गाए हैं अलग अलग? हाँ बहुत फिल्मों में गाए, साउथ में भी उनकी पिक्चरें चलती थी, यहाँ भी होती थी पिक्चरें, और उनके म्यूजिक में काफी मराठी स्टाइल होता था, ऐसे लगता था जैसे कोई मराठी गाना गा रहे हैं, तो वो भी अलग स्टाइल के म्यूजिक डायरेक्टर थे और अच्छे थे डेफिनेटली। वो सब जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे अपना काम कैसे करना चाहिए उनको मालूम था और वो करते थे। दीदी सज्जाद हुसैन साहब की हम बात करें अगर, उनके बारे में सुना है कि बड़े मुश्किल संगीतकार हुआ करते थे वो। सज्जाद हुसैन साहब की बात ही मत की, वो कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे जी। और उनको मिलके कभी आदमी सीरियस हो ही नहीं सकता था जी, हंस हंस के बुरा हाल होता था। ऐसे ऐसी बातें करते थे और सब देखते थे कि मैं कई मरतबा घबरा जाती थी, मुझे उनका स्टाइल बहुत मुश्किल लगता था जी। और वो हंसते रहते थे और मुझे भी वो ऐसे ही प्यार करते थे बहन जैसा ही, और मुझसे बात करते थे नहीं 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 ये तो गाना आपको ही गाना पड़ेगा, आप ही गाएंगे और मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए, मतलब इस तरह से उनके फोन वगैरह होते थे और मैं जाके उनके गाने गाती थी। उनके मैंने मेरा ख्याल 7-8 गाने गाए होंगे 2-3 फिल्मों में जी, पर मेरा हर गाना मुझे अच्छा लगता है उनका जी, जी। और लास्ट गाना था जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था वो था ए दिलरुबा,
जी जी। पर बहुत दुख की बात ये है कि उनको ज्यादा फिल्में नहीं मिली। मेरा ख्याल में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 6 या 7 फिल्में की हैं। उसमें एक आध फिल्म ऐसी थी जिसमें नूरजहां जी थी जी, मतलब बिफोर पार्टीशन जी, जी, तो जी। वो उन्होंने उनके साथ भी काम किया था और मैं नूरजहां जी को बहुत ही मानती हूँ। सैगल साहब और नूरजहां जी तो मैं हमेशा पसंद करती आई हूँ। तो सज्जाद साहब बहुत बड़े मेरे दीदी। हमने कभी सुना था कि ताजमहल फिल्म का गाना पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, तो वो गाना जब आपने गाया था तो आपकी कुछ तबीयत गड़बड़ थी? बहुत जुकाम था, तो गाते वक्त एक आध जगह पता चलता है कि है जुकाम, पर वो गाना बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था जी। बहुत सुंदर गाना था, उसके सब गाने अच्छे थे, पर उसका गाना चला जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो गाना ज्यादा चला। हाँ, वो बहुत पांव छू लेने दो बहुत ही सुंदर गाना, बहुत ही सुंदर गाना। रोशन लाल जी सीखे हुए थे जी। वो बहुत अच्छे दिलरुबा बजाते थे। अच्छा। और शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, सीखे हुए थे, तो उनके गानों में हमेशा कुछ क्लासिकल का ये झलक दिखती थी, क्योंकि उन्होंने वो एक पिक्चर थी ना जो केदार शर्मा जी ने बनाई थी, उसके गाने भी आप देखिए, तेरी जाने ना दूंगी, संसार से भाग के, मतलब क्या अच्छे अच्छे गाने उन्होंने बनाए। दीदी, हमने कहीं पढ़ा था कि सचिन देव बर्मन साहब ने कहा था कि हमें आपका साथ यानी लता जी हमारे साथ हो और हो हमारे साथ तबला, बस फिर हमारा कमाल देखिए। और सचमुच उन्होंने कमाल कर दिया उन सभी गीतों में जिन गीतों में आप उनके साथ रही। वो तो मुझे बेटी कहते थे और बहुत प्यार करते थे जी। घर में मुझे खाने पे बुलाते थे और पान खिलाते थे और क्या क्या, मतलब बहुत ही प्यार करते थे। उनके मैंने काफी गाने गाए और उनका अपना एक स्टाइल था बहुत ही सुंदर। हेमंत कुमार जी के साथ की कोई याद हो? हेमंत दा के साथ जब मैं उनको मिली तब से मुझे तो बहन ही कहते थे, और हेमंत दा के घर जाना मेरा बहुत होता था जी। और वो हमारे यहाँ के थे जी। बहुत सज्जन, बहुत अच्छे इंसान थे जी। दीदी, ये संगीतकार और गायक के रूप में वो अलग अलग आपने किस नजर से देखा? हाँ, गाते थे वो बहुत अच्छा, पहले तो वो गाते ही थे और फिर बाद में उन्होंने म्यूजिक अच्छा, दिया और उनका 20 साल बाद म्यूजिक बहुत अच्छा था। वो एक अलग ही आदमी थे, उनका बात करने के स्टाइल और बहुत अपनापन था। मेरे घर आते थे तो दरवाजे से आवाज आती थी, लौटा कॉफी, मतलब वहाँ से बोलते थे तो हम लोग इमीडिएटली कॉफी बना के लाते थे, दादा के लिए कॉफी लो, सब बैठते थे, मीना उषा सबके साथ अच्छा था उनका, मेरे घर में बहुत भले इंसान। दीदी, हेमंत दा का वो गाना 20 साल बाद फिल्म का, जिसके लिए उन्होंने 3 महीने तक इंतजार किया, सुना है कि उन दोनों आप बीमार थी और इसलिए उन्हें 3 महीने तक इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए इंतजार करना पड़ा, और ये गाना है भी बिल्कुल अलग सा गाना है, बहुत अच्छा गाना था। जी जी, महल में जो आपने गाना गाया था खेमचंद प्रकाश जी के संगीत निर्देशन में, आएगा आने वाला कुछ वैसा ही रहस्यमय गीत ये भी है, कहीं दीप चले कहीं दिल। दीदी, हमने कभी सुना था कि ताजमहल फिल्म का गाना पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, तो वो गाना जब आपने गाया था तो आपकी कुछ तबीयत गड़बड़ थी? बहुत जुकाम था, तो गाते वक्त एक आध जगह पता चलता है कि है जुकाम, पर वो गाना बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था जी। बहुत सुंदर गाना था, उसके सब गाने अच्छे थे, पर उसका गाना चला जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो गाना ज्यादा चला। हाँ, वो बहुत पांव छू लेने दो बहुत ही सुंदर गाना, बहुत ही सुंदर गाना। रोशन लाल जी सीखे हुए थे जी। वो बहुत अच्छे दिलरुबा बजाते थे। अच्छा। और शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, सीखे हुए थे, तो उनके गानों में हमेशा कुछ क्लासिकल का ये झलक दिखती थी, क्योंकि उन्होंने वो एक पिक्चर थी ना जो केदार शर्मा जी ने बनाई थी, उसके गाने भी आप देखिए, तेरी जाने ना दूंगी, संसार से भाग के, जी 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 जी, मतलब क्या अच्छे अच्छे गाने उन्होंने बनाए। दीदी, हमने कहीं पढ़ा था कि सचिन देव बर्मन साहब ने कहा था कि हमें आपका साथ यानी लता जी हमारे साथ हो और हो हमारे साथ तबला, बस फिर हमारा कमाल देखिए। और सचमुच उन्होंने कमाल कर दिया उन सभी गीतों में जिन गीतों में
आप उनके साथ रही? वो तो मुझे बेटी कहते थे और बहुत प्यार करते थे जी। घर में मुझे खाने पे बुलाते थे और पान खिलाते थे और क्या क्या, मतलब बहुत ही प्यार करते थे। उनके मैंने काफी गाने गाए और उनका अपना एक स्टाइल था, बहुत ही सुंदर। हेमंत कुमार जी के साथ की कोई याद हो? हेमंत दा के साथ जब मैं उनको मिली तब से मुझे तो बहन ही कहते थे और हेमंत दा के घर जाना मेरा बहुत होता था जी। और वो हमारे यहाँ आते थे जी। बहुत सज्जन, बहुत अच्छे इंसान थे जी। दीदी ये संगीतकार और गायक के रूप में वो अलग अलग आपने किस नजर से देखा? हाँ गाते थे वो बहुत अच्छा, पहले तो वो गाते ही थे और फिर बाद में उन्होंने म्यूजिक अच्छा, दिया और उनका 20 साल बाद म्यूजिक बहुत अच्छा था। वो एक अलग ही आदमी थे, उनका बात करने के स्टाइल और बहुत अपनापन था। मेरे घर आते थे तो दरवाजे से आवाज आती थी, लौटा कॉफी, मतलब वहाँ से बोलते थे तो हम लोग इमीडिएटली कॉफी बना के लाते थे, दादा के लिए कॉफी लो। सब बैठते थे, मीना उषा सबके साथ अच्छा था उनका, मेरे घर में बहुत भले इंसान। तो दीदी हेमंत दा का वो गाना 20 साल बाद फिल्म का, जिसके लिए उन्होंने 3 महीने तक इंतजार किया। सुना है कि उन दोनों आप बीमार थी और इसलिए उन्हें 3 महीने तक इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए इंतजार करना पड़ा। और ये गाना है भी बिल्कुल अलग सा गाना है, बहुत अच्छा गाना था। जी जी, महल में जो आपने गाना गाया था खेमचंद प्रकाश जी के संगीत निर्देशन में, आएगा आने वाला, कुछ वैसा ही रहस्यमय गीत ये भी है, कहीं दीप चले कहीं दिल। दीदी वैजयंती माला जी ने एक बार बहुत पहले कहा था, एक गाना था उनका मधुमती फिल्म का बिछुआ आपने गाया था, उसमें नृत्य का जो एक आयोजन आपने जो अपनी आवाज में डाला था, बहुत प्रभावित थी उससे, कुछ याद है आपको मधुमती फिल्म के बारे में? मुझे सजीव दा ने कहा था, सजीव दा मेरी नजर में बहुत बहुत महान म्यूजिक डायरेक्टर थे और उनको जो सूझती थी बातें और उनको आसाम का फोक याद था जी जी, बंगाली याद था, तो वो उसको और कुछ उनके ऊपर जो असर था ये बाहर की जो सिम्फनीज होती है वो बहुत सुनते थे और खासकर रशियन फोक जी। उनको बहुत याद था तो वो गानों में बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करते थे और गाने बनाते थे। मुझे उनके सभी गाने अच्छे लगते थे, कोई भी पिक्चर हो जी। कोई भी गाना बनाए वो जी जी। मुझे उनका म्यूजिक हमेशा अच्छा लगता था जी जी। और उनके हमारे पूरे घर के साथ घर जैसे संबंध थे, रेजनाथ के साथ उनका बहुत अच्छा था। रेजनाथ ने एक बार अच्छी पिक्चर बनाई थी सुन भाई, उसका म्यूजिक उन्होंने शैलजा से करवाया था। अच्छा, तो बहुत घर आना जाना, कई मर्तबा आके बैठते थे मेरे यहाँ वो, और हेमंत दादा वो भी आते थे। मतलब पहले जितने म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर्स वगैरह थे उनका मिलना जुलना साथ में बहुत होता था और सब खुश होके जाते थे। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग कई मर्तबा सारे इकट्ठे बैठते थे, कुछ खाने की चीजें बनवाते थे वहाँ, फिर आज मेरे घर हुआ तो फिर कल परसों एक दो दिन के बाद किशोर दा के यहाँ चलो, या मतलब इस तरह से हम लोग मिलते थे। आज क्या है मालूम नहीं, मैं अब फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर हो गई हूँ तो भगवान जाने कैसे लोग मिलते जुलते हैं या नहीं। तो मिछुआ जो था मुझे लगता है शायद आसाम और बंगाल मिक्स ऐसा था। अच्छा, अच्छा। तो मुझे उन्होंने वो जो ओय 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 था उन्होंने मुझे गा के बताया कि ये मुझे ऐसा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको गा के बताया तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही चाहिए और वो गाना उसी तरह हुआ। और मुझे लगता है हाईलाइट उस गाने का वो ओय 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 था जी जी। और उसमें आजा रे परदेसी तो बहुत ही हिट हुआ था, उसके सारे गाने हिट थे जी, जी, जी। घड़ी घड़ी में मेरा दिल धड़के जी। और दूसरा एक मेरा और मुकेश जी के साथ डुएट था जी, मुकेश जी के साथ जी हाँ। मुकेश जी, किशोर कुमार जी, हेमंत दा, इन सबके साथ, रफी साहब, इन सबके साथ तो आपके बहुत सारे गाने और सारे गाने लगभग हिट हुए हैं। दीदी मुकेश जी के साथ आपकी बहुत सारी यादें हैं,
और बहुत ही वो तो बहुत आप करीब थे, भाई थे आपके, तो उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें। मुकेश भैया ने मुझे फर्स्ट टाइम सुना था, वही जो उनका गाना मैंने उनके साथ गाया था, मास्टर गुलाम हैदर साहब का, अब डरने की कोई बात नहीं अंग्रेजी छोरा चला गया, ये हम दोनों का गाना था। उसके बाद वो क्या करते थे कि जहाँ वो गाने जाते थे ना, उन लोगों को कहते थे कि एक नई लड़की आई है लता मंगेशकर, आप उसको सुनिए और आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि शायद नौशाद साहब को भी उन्होंने कहा, क्योंकि उनका कोई उस वक्त उनके साथ काम चल रहा था। जी जी। तो मुझे मुकेश भैया ने कहा कि तुमको नौशाद साहब ने बुलाया है, तुम चलो। तो वो मेरे साथ आए थे और मुझे ले गए नौशाद साहब के यहाँ, और मैं जाके नौशाद साहब से मिली और उन्होंने कहा कि हमने आपका थोड़ा सा गाना सुना है और आपकी सब लोग तारीफ करते हैं और हम भी पिक्चर में आपसे गवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए, मैं आ जाऊंगी। तो उनको थोड़ा शक था कि मैं मराठी हूँ, शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हूँ। मुझे कहा कि आप कहाँ गा रही हैं? तो मैंने कहा लाहौर पिक्चर में मैं गा रही हूँ श्याम सुंदर जी के साथ, उसमें काफी गाने गाए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई गजल गाई है आपने? मैंने कहा दो है उसमें। तो कहने लगे आप हमें सुनाइए ना कैसी है वो। तो मैंने गा के सुनाया। देखिए मैं कुछ जानती नहीं थी उस वक्त, मैं बिल्कुल नई नई प्लेबैक देने आई। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमको सुनाइए ना, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। तो मैंने उनको गा के बताया, तो उनको शायद ठीक लगा वो, और फिर उन्होंने मुझे एक दिन के बाद ही बुलाया कि आप आइए। और मैंने पहली पिक्चर उनकी गाई थी दुलारी। दुलारी के बाद देखिए मैंने उनकी पिक्चर में गाया था अंदाज। अंदाज आई थी जी। मैंने पहला गाना किया था उनका, उठाए जा उनके सितम जी, ये गाया था। और फिर जादू भी हुई उनकी पिक्चर, और काफी मैंने उनके गाने गाए उसके बाद जी, जी। पर मुझे उनके अमर के गाने बहुत अच्छे लगते हैं जी। खास तौर पे मेरा गाना था जाने वाले से मुलाकात होने पाई, वो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा क्लासिकल टाइप का गाना है। दीदी बसंत देसाई जी के साथ भी तो आपके बहुत अच्छे गाने झलक झलक पाए। बसंत देसाई जी के साथ हमारे बहुत घर के संबंध थे, क्योंकि वो भी मराठी थे, और हृदयनाथ के साथ मेरे पिताजी की बरसी में वो हमेशा आते थे, हर प्रोग्राम में वो रहते थे, वो खुद गाते थे और मेरा ख्याल कुछ 7 या 8 साज बजाते थे। उनको क्लासिकल का बहुत ये था, सीखे हुए थे, और जो गाने शास्त्रीय संगीत के आधार बने थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तर्जे बनाई है जी। तेरे सुर और मेरे गीत, वो भी कितना अच्छा गाना था। फिर उन्होंने झनक झनक पायल बाजी के जी, जो गीत बनाए थे। आपको गीत याद दिलाऊं, कुहू कुहू बोले कोयलिया, सोन सुंदरी फिल्म का गाना, संगीतकार आदि नारायण राव। ये तो साउथ का था। हाँ, आदि नारायण राव म्यूजिक डायरेक्टर जी, थे जी। और उनकी वाइफ उसकी हीरोइन थी, और उन्होंने मुझे बुलाया मद्रास, मैं यहाँ से चेन्नई गई और मैंने वहाँ जाके रिकॉर्ड किए गाने। तो कुहू बोले कोयलिया मेरा और रफी साहब का डुएट था, और सोलो था मेरा। अच्छा अच्छा। तो ये गाना शास्त्रीय संगीत पर आधारित, क्लासिकल पे ही था आधारित, और वो जानकार म्यूजिक डायरेक्टर थे। और साउथ में मैं आपको बताऊँ, कोई मतलब उठे और जाके म्यूजिक डायरेक्टर बने ऐसा होता नहीं, वो लोग काफी सीखे हुए, रियाज किए हुए और जानकार होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं। जी दीदी, एस मोहिंदर साहब के साथ भी आपके बहुत अच्छे गाने, शीरी फरहाद का गाना तो बहुत ही फेमस हुआ था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जी हाँ, पर उनके साथ बहुत ज्यादा तो मैंने ज्यादा नहीं गाया नहीं जी, पर गुजरा हुआ जमाना उनका बहुत, वो गाना बहुत अच्छा गाना था जी जी। वो अमेरिका में ज्यादा रहते हैं, और वो आए थे तो उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप हमारे यहाँ आइए, और मैं किसी वजह से जा नहीं सके, उस सब कुछ काम था। हाँ। फिर वो चले गए, जाते वक्त मुझे कह के गए कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो आप जरूर मिलिएगा, तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। मैंने कहा जरूर मैं मिलूंगी आपसे, और कह रहे थे कि मैं अमेरिका में बहुत खुश रहता हूँ।
मैं आपको बताऊं, उस वक्त सभी लोग अच्छा म्यूजिक देते थे और सबके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध तो, और सबके साथ बड़ी अच्छी यादें भी रही। और शंकर जयकिशन आपके साथ बरसात फिल्म से जुड़े राज कपूर जी के साथ, जी हाँ जी हाँ, और आपके साथ तो बहुत लंबा साथ रहा शंकर जयकिशन जी का। मुझे लगता है मैंने उनके बहुत गाने गाए हैं, उनके हर गाने में मुझे कुछ अच्छी बात लगती थी, नयापन लगता था जी। और वो भी दोनों थे ना, अलग अलग टाइप का म्यूजिक करते थे जी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और शंकर जी, जयकिशन जी, हसरत साहब और शैलेंद्र जी, हम सबका मतलब एक ऐसा ग्रुप था कि रिकॉर्डिंग करते थे, फिर खाना खाने जाते थे और बहुत अच्छा लगता था। काफी काम किया उनके। दीदी वो घर आया मेरा परदेसी जो गाना है सुना हमने, उसकी रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हुई थी। जी हाँ, काफी लंबी हुई थी और सुबह 9:30-10 बजे शुरू हुआ और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे खत्म हुआ। अच्छा, क्योंकि उसमें मनादा का भी गाना था। हाँ। मेरा तो छोटा सा पार्ट था। हाँ। पर उसके बाद मनादा का गाना था जिंदगी जिंदगी, पर देर हो गई थी बस। और अच्छा, हम लोग बैठे रहे, गाते रहे जी। दीदी मनादा के साथ भी तो आपके बहुत अच्छे अच्छे गीत रहे हैं। या उनके साथ क्लासिकल गाने जो थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने थोड़े बहुत उनके साथ गाने गाए हैं और उनका मेरा वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चुंदरी संभाल गोरी। अच्छा अच्छा जी जी, आरजी बर्मन का। दीदी मोहम्मद रफी साहब के साथ तो एक बहुत लंबा वक्त रहा। गाने बहुत गाए हैं जी, पर हम लोगों का इतना मिलना वगैरह नहीं होता। अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं के वक्त मिलते थे जी, और वो बातचीत तो बहुत कम करते थे और जो करते थे वो बहुत अच्छी जगह से बात करते थे जी। और ये दो ऐसे मैंने हमारे प्लेबैक सिंगर देखे जो किशोर दा और अपने रफी साहब, दोनों को खाने का बहुत शौक था, पर तम्बाकू सिगरेट शराब वगैरह कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं, खाना जरूर अच्छा चाहिए दोनों को, तो यही उनका शौक था। तो ये बहुत कम नजर आता है इस तरह। दीदी किशोर कुमार जी के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले उनका भी पहला गाना और मेरा भी उनके साथ पहला गाना युगदी पिक्चर में हुआ था जी, जिसका म्यूजिक चंचल प्रकाश जी का था और वो गाना था ये कौन आया, तो वो गाना हमने सबसे पहले गाया और फिर हम लोगों की जमती थी बात करना, हंसना, बहुत हंसा के थे और अच्छा लगता था उनके पास जाना। जाते वक्त भी उनका मजाक चलता रहता था। अच्छा। तो गाना मुश्किल हो जाता था, अपने जोक्स और बीच में कुछ और गाना गाना इतना करते थे कि हम लोग सब हंसते रहते थे। क्या कहूँ मैं, लोग सब ऐसे थे एक से बढ़कर एक, हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना स्टाइल था जी। और ये भी एक अच्छाई थी उनमें कि किसी और की पिक्चर अगर चली और म्यूजिक उनको अच्छा लगा तो उनके घर पे जाके कहते थे जी, अरे आपने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, जो बहुत मुश्किल बात है जी, किसी को अच्छा कहना और वो भी कोई काम करने वाला आदमी मिलता नहीं जी, सच्ची बात। अगर कहते भी होंगे तो दुख से कहते होंगे, पर मुझे याद है कि हमारे यहाँ के दत्ता करके म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो थे मराठी और उन्होंने एक बड़ी माँ पिक्चर की थी जो मास्टर विनायक थे उनकी फिल्म थी, मैं उनकी कंपनी में नौकर थी। अच्छा। और बड़ी माँ में नूरजहां जी हीरोइन थी, तो उन्होंने कुछ गाने बनाए थे और एक गाना नूरजहां जी का मास्टर गुलाम हैदर जी ने सुना और वो थे दत्ता जी के घर गए जी। और घर जाके उन्होंने कहा कि साहब आपने इस गाने में जो सुर लगाया है जी जी, वो दिया जला के आप बुझा, ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं, इस तरह की ट्यून मैंने सोची भी नहीं और सुनी भी नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसा ही काम करते रहे। मैं तो इतने खुश हुए थे क्योंकि मुझे के दत्ता साहब ने कहा कि दत्ता देखो मुझे उन्होंने घर आके इस गाने की तारीफ की, सब जितने लोग हमारे साथ काम करे सभी अच्छे लोग और सबके साथ मेरा बहुत अच्छा था। मेरा झगड़ा वगैरह एक दो मतलब मैं लड़ी हूँ पर बाद में ठीक हो गया सब।
अच्छा दीदी, आपको कभी झुंझलाहट हुई जिसे कोई सही साजिंदा न बजा रहा हो या कभी कोई सुर से भटक गया हो कुछ ऐसा? नहीं, वो तो होता रहता है, वो तो सबके साथ होता है जी। क्योंकि अगर 100 म्यूजिशियंस बैठ के बजा रहे हैं जी, एक आध तो गलती करता ही है। और वैसे बहुत सी बार होता था, और हम लोगों को तकलीफ क्या होती थी कि पूरा गाना गाना पड़ता था, ऐसा नहीं होता जो आज हो रहा है। आजकल आप एक एक बोल रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक लाइन कर सकते हैं, वो जोड़ दिया जाता है खत्म में। म्यूजिक भी ऐसा नहीं होता है कि लाइव है, वो तो पहले रिकॉर्ड करके रख देते हैं, उससे जाके गाते हैं, तो वो बात नहीं आ सकती है जो पहले गानों में आती थी। जी दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे सब परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ, और बहुत खुशी हुई है आप सब लोग ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, जिससे हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।